खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। नमस्कार, खबर 365 न्यूज की विशेष खबरों के साथ मैं शीतल। वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में रजरप्पा के स्वच्छता पर मंडराता संकट। प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा धाम में विराजने वाली भगवती छिन्नमस्तिके की अलौकिक शक्ति की डंका पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। यहाँ की मनोहारी प्राकृतिक दृश्य और कलकल बहते दामोदर भैरवी संगम स्थल अनायास ही श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। पर इसे आप विडम्बना ही कहे कि रजरप्पा मंदिर के आसपास भैरवी तट और संगम स्थल के आसपास देखने से ऐसा लगता है मानिए जैसे वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में यहाँ के स्वच्छता पर संकट मंडराता नजर आ रहा है। तांत्रिक घाट के दाहिने तरफ होते हुए संगम स्थल के चारों ओर कई श्रद्धालु खुले में शौच करते हैं, वहीं मुंडन स्थान के बगल में ही लोग मूत्र त्याग भी करते हैं, जिससे आसपास का वातावरण में दुर्गंध फैलता जा रहा है। इतना ही नहीं, भैरवी नदी के किनारे किनारे बने होटलों में बनने वाले खाने के अवशेष और गंदगी को खुलेआम नदी में बहा दिया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव नदी का पानी काला होता जा रहा है। ऐसे में यहाँ प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान ध्यान में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे पावन पवित्र शक्ति स्थल को हम सब मिलकर कैसे स्वच्छ रख सकें, ये सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। मौके पर संवाददाता शिवशंकर तिवारी ने इसकी जानकारी दी और दिखाया कि कैसा है वहां का नज़ारा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड की प्रसिद्ध सिद्धपीठ श्री रजरप्पा धाम माँ छिन्नमस्तिके की दरबार का अलौकिक दर्शन कराऊं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पौराणिक जो शास्त्रों में वर्णित माँ भगवती के संगम स्थल का जो अद्भुत नज़ारा, और आप देखेंगे कि धार्मिक दृष्टि के साथ साथ रजरप्पा धाम का पर्यटन की दृष्टि से भी एक राज्य में अलग महत्व रखता है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ का जो प्राकृतिक का जो अनुपम सौंदर्य जो यहाँ पर्यटकों का मन लुभाता है। हजारों की संख्या में नव वर्ष के मौके पर सैलानी यहाँ पहुँचते हैं और इन प्राकृतिक वादियों में आनंद लेकर माँ भगवती के चरणों में गुणगान करते हुए अपना यात्रा को पूरा करते हैं। पौराणिक दृष्टि से रजरप्पा धाम छिन्नमस्तिके के द्वार में तो धार्मिक दृष्टि से आपका दामोदर भैरवी संगम स्थल का एक अलग ही महत्व रहा है, पर इन दिनों आप देखेंगे कि ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भैरवी तट के चारों ओर गंदगी और गंदे दोने पतलों का अंबार भरा पड़ा है। यहाँ तक कि भैरवी में बहने वाला गंगा का धार भी जो है चारों तरफ से प्रदूषित नजर आता है। ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ कि यहाँ की विकट परिस्थिति को, गंदगियों की विकट परिस्थिति को देखते हुए स्थानीय लोगों को, श्रद्धालुओं को या प्रशासन के लोगों को जरूर इस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए और आगे इस परम स्थान को स्वच्छ रखने में हम सब लोग अपना योगदान दे सकते हैं। जी, यहाँ पे चारों तरफ देखते हैं पूरा गंदगी फैला हुआ है, लोग जहाँ तहाँ शौच कर रहे हैं और पत्तल वगैरह इधर उधर फेंक रहे हैं, इसका कोई ठोस ही नहीं हो रहा है, पूरा गंदगी हो रहा है। यहाँ संगम स्थल में भी पूरा जो है तो शौच कर रहे हैं लोग, पत्तल फेंका रहा है, संगम स्थल पूरी तरह दूषित हो रहा है। हम देखें माँ भगवती रजरप्पा का परम दरबार छिन्नमस्तिके दरबार में, हम आपको संगम स्थल के आसपास का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस महादरबार के जस्ट निकट में गंदगी का, भैरवी नदी के तट के आसपास गंदगी का अंबार चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसा देखेंगे कि लगता है ऐसा जैसे वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर खुले में शौच और पेशाब जाने को विवश नजर आते हैं। आप देखना चाहेंगे ये चारों तरफ ये जो है गंदगी का अंबार और दामोदर ये भैरवी संगम के निकट जो है ये चारों तरफ का नज़ारा बड़ा ही दुर्गंध
का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। खबर 365 के लिए रजरप्पा से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट।